नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। पंजाब के एक शातिर ठग ने इंदौर के खिलाफ आई को लगाया 20 लाख रुपए का चूना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और 8 लाख नकदी रुपए प्रॉफिट के नाम पर पंजाब में पार्टनरशिप में बिजनेस खोल कर दिया ठगी की वारदात को अंजाम। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दरअसल पलासिया थाना पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी ओम प्रकाश अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई कि पंजाब के रहने वाले जतन अरोरा द्वारा बिजनेस खोलने के लिए पार्टनरशिप में व्यापार शुरू किया गया था, जहां से इंदौर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम भेजे गए थे। शोरूम बनाने और अन्य खर्चों के लिए लगभग इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी द्वारा 8 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए गए थे। वहीं टीवी, फ्रिज और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भेजे गए, लेकिन किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं मिला। कुछ दिन बाद पंजाब के यतन अरोरा द्वारा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया गया। व्यापारी को भी ठगी की शिकायत संबंधित थाने पर की गई है, जहां धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आवेदक ओम प्रकाश जिंदल निवासी गुलमर्ग प्राइड, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बेचने का कार्य करते, इनसे एक यत्नीश कुमार अरोड़ा पंचकुला पंजाब के एक व्यक्ति ने संपर्क किया, कहा कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको मैं किसी अन्य व्यक्तियों को बेचकर उससे जो भी लाभ प्राप्त होगा वो आपको दूंगा। इसी बात पर यकीन करके आवेदक ओम प्रकाश जिंदल ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल एवं अन्य सामान उसको दिए। साथ ही उसके द्वारा कहा गया कि आप मुझे कुछ राशि मेरे बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिए, उनसे मैं कुछ अन्य माल परचेस करके आसपास के इलाकों में बेच के जो भी लाभ होगा वो आपको प्रदान कर दूंगा। लेकिन उसके द्वारा आवेदक के बार बार संपर्क करने पर भी ना तो माल लौटाया, ना ही जो लाभ प्राप्त हुआ था वो लौटाया दिया गया। इस प्रकार आरोपीगण द्वारा कुल 19,17,280 रुपये विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आइटम आवेदक पक्ष से प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में शिकायत वरिष्ठ कार्य से प्राप्त हुई थी, जिस पर जाँच पश्चात यत्नीश कुमार अरोड़ा निवासी पंचकुला पंजाब के विरुद्ध अपराध धारा 426 का पंजीबद्ध हुआ है। आज दिनांक को अपराध पंजीबद्ध हुआ है, गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग कितने की धोखाधड़ी? कुल 19,17,280 रुपये का लेना शेष है आवेदक पक्ष को आरोपीगण से।